अर्ज किया है, जनाब दिल्ली आए और चांदनी चौक नहीं देखा तो क्या देखा। बस अब और नहीं खा सकते। तो आज हमें चांदनी चौक में तो पता लगाते हैं यहाँ के मोस्ट क्राउडेड एंड फेमस फूड जॉइंट वर्थ द हाइप है या नहीं। पहला स्टॉप है हमारा शिव मिष्ठान भंडार। ये 1910 से यहाँ है और ये फेमस है अपनी बेडमी पूरी के लिए। दिस रेस्टोरेंट इज मोस्ट लव्ड बाय एवरीबॉडी। ये अपने स्वीट्स एंड स्नैक्स प्योर देसी घी में बनाते हैं। बेडमी पूरी एक स्टफ कचौड़ी की तरह होती है जिसमें उड़द की दाल की स्टफिंग की जाती है जो जनरली क्रिस्पी साइड पर रहती है। थोड़ी सी हार्ड लग रही है लेकिन टेस्ट में अच्छी लग रही है। इनकी आलू की सब्जी भी स्पाइसी है। दिस इज मोर स्पाइसी, दिस इज ऑल्सो गुड, बट अगर हम कंपेयर करें तो ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुलाब जामुन भी काफ़ी सॉफ्ट एंड टेस्टी था, सो आई विल गिव इट सॉलिड 9 out of 10। आई डोंट नो वाई, जहाँ भी मैं झुमकाज या इयर रिंग्स देखती हूँ मेरे कदम वहाँ रुक ही जाते हैं। एंड चांदनी चौक से झुमके लेने का मौका तो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती। सेकेंड स्पॉट है हमारा जेबी कचौड़ी वाले। इनके यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। कैसा है ये? अच्छा है, ये सारी मिर्च है। इनकी कचौड़ी की हाईलाइट है ढेर सारी हरी मिर्च। आई गेस 2-3 हरी मिर्च एक कचौड़ी प्लेट में होगी, तो मुझे वही सबसे अच्छी बात लगी। इट्स नॉट बैड, तो मैंने इससे भी अच्छी कचौड़ी खाई है, तो मैं बेस्ट तो नहीं कह सकती, बट हाँ स्पाइसी है और थोड़ा खट्टा है, बट नॉट द बेस्ट। बाकी टेस्ट वॉज सो ब्लेंड, इन माई ओपिनियन इट इज ओवर हाइप। बहुत ही छोटी सी शॉप है श्री श्याम कांजी कॉर्नर। इट इज रियली अ कॉर्नर नॉट अ लिटरल शॉप। एक कांजी बड़ा कर दी। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट मेरी लाइफ का बेस्ट कांजी वड़ा था वो। बेस्ट, अभी तक जितनी भी चीज़ें ट्राई करी हैं ये बेस्ट है। दिस इज सो सॉफ्ट, पानी बहुत मस्त है। इट्स परफेक्टली खट्टा स्पाइसी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। दिस कांजी वड़ा हैज़ नो कॉम्पिटिशन। पापड़ी चाट भी काफ़ी सही थी। एंड दिस फेमस जलेबी वाला शॉप नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गरम गरम समोसे बन रहे थे सो मैंने लिया था एक मटर समोसा। सो इट इज समथिंग डिफरेंट, जनरली आपको कहीं ऐसे मटर समोसा नहीं मिलता है, सो इट वॉज टेस्टी। दिस इज़ अगैन फेमस जलेबी वाला, जहाँ की मेनली जलेबी एंड रबड़ी बहुत फेमस है। जनरली जलेबी पतली अच्छी लगती है, पतली और क्रिस्पी, पर ये एक्सेप्शन है। ये जलेबी मोटी है लेकिन फुल जूसी है, मस्त लगती है। आई थिंक दिस प्लेस हैज़ मिक्स्ड रिव्यूज़। कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, पर मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मैंने पहले भी खाया है तो मुझे तो अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक इट्स ओवर हाइप्ड। मुझे नहीं लगता चांदनी चौक सिर्फ अपने खाने के लिए फेमस है। यहाँ जैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आपको बेस्ट क्लोथिंग मटेरियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलेगी। सो लेट्स कम टू द फूड पार्ट अगेन। मैं हूँ नटराज दही भल्ला कॉर्नर पर। दही भल्ला कर दीजिए एक प्लेट। इट वॉज नॉट बैड बट कुछ खास भी नहीं था। जनरली दही भले जैसे होते हैं वैसे ही हैं, कुछ अलग तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। सो दिस वॉज लिटरली एन एवरेज फॉर मी। आई थिंक इट इज ओवर राइट। सो इस शॉप पे काफ़ी भीड़ लगी थी। आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है, एंड ऑफकोर्स अवार्ड इज छोले भटूरे। इतने प्यार से हैंड ओवर किए उन्होंने मुझे।
सो भटूरे देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, सो आई हैड टू ट्राई। टेस्ट वाइज अच्छे हैं, स्पाइसी है। जो मैंने सीताराम दीवानचंद पे खाए थे पहाड़गंज में, वो बहुत बेटर थे इससे, बट अगर अकेले इसको देखें टेस्ट में तो ये ठीक ठीक है, बुरे नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, इट इज ओके ओके। Passarinho da montanha, quando chega, voou, voou. Passarinho da montanha, quando voou. एवरेज आवर बस। ये जगह मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ भिंडी का पराठा मिलता है जो थोड़ा डिफरेंट लगता है मुझे, और भिंडी का पराठा ही मुझे सबसे ठीक लगता है, वरना कोई खास बात नहीं। सो दिस पराठे वाली गली के पराठे इज द मोस्ट ओवर हाइप थिंक इन चांदनी चौक। भिंडी का पराठा तो फिर भी ठीक है, बट इससे बुरा दाल का पराठा मैंने नहीं खाया। दाल के पराठे की फीलिंग बहुत कच्ची है, ऐसा लग रहा है बस कच्ची पीस दी है, वो भी मोटी मोटी, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। So this was it for this video. I hope you like this. So please like, share and subscribe and watch my upcoming video for best restaurants and food joints in whole Delhi.